डॉक्टर सीए अपना कोर्स होने के बाद क्या करता है? इंटरव्यू के लिए जाता है ना, सीए प्रैक्टिस करेगा। इंजीनियर अपने जॉब के लिए कहीं इंटरव्यू के लिए जाएगा ना, अलग अलग जगह पर जाएगा। उसके बाद पहले ही इंटरव्यू में उसको जॉब मिल जाएगा क्या? बहुत सारे इंटरव्यू देने पड़ेंगे ना उसको, बहुत सारे इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, उनको मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। तो हम कौन है? हम भी तो इंटरव्यू के लिए ही जाते हैं ना। ऑडिशन इज व्हाट? ऑडिशन इज इक्वल टू इंटरव्यू, सिंपल है। तो मेरे ख्याल से इसका बहुत ज़्यादा हवा बना के रखी है कि ऑडिशन ऑडिशन ऑडिशन। सबसे पहले उसका डर अपने मन से निकाल देने का। इंजीनियर जब जाता है, कितने इंजीनियर है अपने यहाँ पर? अरे यार इतने सारे इंजीनियर है, ये लोग तो जानते ही है। हाँ, कुछ डॉक्टर भी होंगे। तो ऑडिशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने ही जैसा कोई एलियन या कोई अलग इंसान अपने सामने खड़ा है ऑडिशन लेने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल पर्सन है अपने ही जैसा, और वो वहाँ पर चेक कर रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, और वो उसका नाम है ऑडिशन। इतना सिंपल है वो। तो उसकी बहुत हवा बनाने की या उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आधा वो डर खा जाता है, और वो डर की वजह से जो प्रिपेयर किया हुआ है वो भी नहीं आ पाता। तो मैं कुछ 5 या 7 स्टेप कवर करूंगा, 1 to 7, ए से लेके जेड तक, कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि जब आप ऑडिशन को आते हैं, मान लो ये हॉल है, यहाँ पर ऑडिशन चल रहा है, तो बगैर बोले वो आपको देखेंगे। आपने डोर ओपन किया और हॉल में इंटर हो गए, आपने अभी तक कुछ बात नहीं की है। जो ऑडिशन लेने के लिए जो पर्सन यहाँ पर खड़ा है, उसने आपको फिजिकली देखा, आपका कंप्लीट पर्सनैलिटी देख लिया। उससे उसने क्या किया पता है क्या? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको स्कैन कर लिया और आपके बारे में एक राय तय कर ली। कैरेक्टर नहीं, राय तय कर ली। वो राय क्या हो सकती है? कॉन्फिडेंट बंदा लग रहा है, एनर्जेटिक लग रहा है, उसके साथ साथ उसका अगर पॉजिटिविटी है माइंड में तो पॉजिटिव लग रहा है। अगर शंका कुशंका लेकर आया है, क्वेश्चन मार्क लेकर आया है, तो क्वेश्चन मार्क उसका जाएगा। अगर नया है और डरा हुआ है तो वो मैसेज उसकी तरफ जाएगा। अभी तक तो हमने बात भी नहीं शुरू की।